नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह जी, आज समीला भाई ने भी रोजा रखा हुआ है, अब्दुलरहमान भाई ने भी रोजा रखा हुआ है, और रिहान भाई ने नहीं रखा हुआ, अब्दुल्ला भाई ने नहीं रखा हुआ, और अब्दुल्ला भाई ने नीचे कपड़ा बांधा हुआ है। अब्दुल्ला भाई पैंट किधर है? पैंट थोड़ा ही काम हो रही है, फट गई हुई थी। हाँ जी, नीचे से फट गई थी। इधर अब्बू जान जी पेंट सिलाई करके दे रहे हो गया सिलाई। हेलो जी, अब्दुल्ला भाई आपने रोजा नहीं रखा यार। यार मेरा दिल ही नहीं करता उसको रोजा रखने में। क्यों? रोजा होते ही नहीं यार। नहीं रखोता? भूख लग जाती है। जब इसे रोजा लगता है ना तो इसका मुंह देखने वाला होता है। ओए यार, रोजा सबसे पहले रखांगे ना, फिर एक्सपीरियंस होएगा ऐसे ना रोजा रखने का। हां एक्सपीरियंस होएगा। हां आज रखांगे, कल फिर रोटी खाऊंगा, परसों फिर और एक्सपीरियंस चल जाएगा। एक्सपीरियंस चल जाएगा। तो मैंने भी नहीं रखा हुआ जी, सुबह सुबह मैं उठा ही नहीं, मुझे उठा रहे थे, मैं नहीं उठा, नहीं तो मैंने भी रख लेना था। टाइम गुजर गया अभी, चलो आप स्कूल जाएं, आराम से वापस आ जाएं। शाबाश, वेरी गुड। तो हमारे घर में से एक समीला भाई ने रखा है, स्नैन भाई ने भी रखा हुआ है, स्नैन भाई इधर सोए हुए हैं कमरे में, और हमारी छोटी सिस्टर ने रखा हुआ है। हमारे घर में तीन ने रखा हुआ है। तो अब्दुलरहमान भाई आपके घर में से चार तो आपकी इफ्तारी जो है वो आज हमारे घर में होगी, आपने हमारे घर में आ जाना, सही है, शाम को सबको लेके। चार बंदे कौन कौन से हैं? आपकी छोटी सिस्टर और तीन भाई। हाँ माशाल्लाह जी, हमारे विलेज में काफी बच्चों ने और बड़ों ने सब ने रोजे रखे हुए हैं, तो मुझे दुख हो रहा है। खैर कोई नहीं, हम इंशाल्लाह इफ्तारी करवाएंगे, हमें भी सवाब मिल जाएगा जिनकी इफ्तारी करवाएंगे हम। तो उसके लिए भी अभी तैयारी करनी है, थोड़ी देर बाद जाएंगे अपने टाउन, वहाँ से फ्रूट वगैरह खरीद के लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है मिस्सी साहब, छा गए हो। हैं? बीम डाला जा रहा जी, आधा जो है वो कल डाला था, आधा जी आज मिस्सी साहब लगे हुए हैं फुल स्पीड। और स्पीड क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल्ला भाई जी स्कूल से आ चुके हैं, अभी मैं और अब्दुल्ला भाई जाएंगे फ्रूट वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला भाई को रोजा बहुत लग गया हुआ है। हाँ जी लग गया। हाँ जी, क्या आपने रखा ही नहीं है? मैंने रखा ही नहीं, अब्दुल्ला भाई ने नहीं रखा हुआ। इधर देखें जी, ये रोजा गुजार रहे हैं जी, साथ गेम खेल रहे हैं, साथ रोजा गुजार रहे हैं। ये चार बंदे हैं जिन्होंने रोजा रखा हुआ है, वो छोटे बच्चे ने भी रखा हुआ है। रखा हुआ है? वाह यार अब्दुल्ला भाई देख लो, वो एक्सपीरियंस कर रहा है यार। एक्सपीरियंस कर रहा है। हाँ जी। आप सबकी इफ्तारी है जी हमारी तरफ आज, मेरे और अब्दुल्ला भाई की तरफ। क्यों अब्दुल्ला भाई? अभी अभी मुझे मुदस्सर भाई का मैसेज आया है कि आप आएं और ड्रिल मशीन ले जाएं, तो अभी मैं ड्रिल मशीन लेने के लिए जा रहा हूं, तो अभी ले आते हैं जल्दी जल्दी, फिर बाद में इंशाल्लाह फ्री हो के तो पर्दे लगा लेंगे। मुदस्सर भाई से जी हमने ड्रिल मशीन ले ली है उधार के तौर पे। जैसे आपने ले ली कहा है ना, इसका मतलब ऐसे लगता है जैसे पक्की ले ली है। नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह सुबह वापस करेंगे हम। अच्छा अब मसला पता क्या? हाँ जी, इसकी चाबी जो है ना इसको टाइट करने वाली। हाँ जी हाँ जी, वो हो गई है गुम, तो थोड़ी है छोटी मोटी। हाँ है। अब यहाँ पे रख के ना थोड़ी सी यहाँ पे चोट लगाएंगे ना, हाँ, ये टाइट हो जाएगी। सही है, सही हो गया सर। फिर काम करते दौरान इसको नहीं हाथ लगाना, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा जब ये वाइब्रेट करेगी ना, इसका मतलब ये ढीली है। सही है, बस इसको इधर से लगानी है, पीछे शानी रख के ना। हाँ अधे कारीगर हैं, मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। थोड़े बहुत कारीगर तो हम हैं, तो मुन्ना भाई का कितने दिन वेट किया है, तो मुन्ना भाई नहीं आए, इसकी वजह से हम खुद ही ये पर्दे लगाएंगे इंशाल्लाह। अभी सबसे पहला जो काम है ना इफ्तारी के लिए सामान लेके आना है, तो टाइम थोड़ा रह गया। हाँ जी अब्दुल्ला भाई चले, चलो चलो जी बाहर निकालो। अस्सलाम वालेकुम जी। किस तरह खरबूजा लाया है? नहीं इन्हू बेच ही रखना ना, रेट दस न पंजा रुपये किलो, माल्टा भी रुपये दर्जन, केला सस्ता हो गया, जू जू रमजान नेड़े आंदा, महंगा होंगे तू सस्ता करिएगा। फिर भी यार किस तरह, नहीं फिर भी किस तरह किलो खरबूजा?
शर्मा दी भी है ते फिर बोल सही रेट जेड़ा है बोल भाई जी मजाक कर रहे थे खरबूजा 200 रुपए किलो दे रहे थे और माल्टे जो है वो 250 रुपए किलो दे रहे थे दर्जन मतलब के दर्जन दे रहे थे तो दो दो दर्जन माल्टे लिए हैं दो दर्जन खरबूजा लिया जी और तकरीबन समोसे लिए हैं 14 समोसा तकरीबन 20 रुपए का हो गया हुआ है मतलब कि हर चीज़ महंगी हो गई है और अभी मैं आ रहा हूँ तो मैंने चश्मे नहीं पहने हुए तो आँखों में छोटी छोटी मंगनी कह लें हम कहते हैं अपनी ज़बान में वो आँखों में आती है तो इन दिनों चश्मे बहुत ज़रूरी होते हैं। टाइम रह गया तकरीबन 20 मिनट रह चुके हैं तकरीबन मेरे ख्याल में अभी फ्रूट जो हम काटते हैं अब्दुल्ला भाई बैठ गए हैं जल्दी जल्दी काटते हैं समीला भाई को बहुत रोजा लग गया हुआ अब्दुल्ला भाई समीला भाई से वेट नहीं हो रहा जल्दी जल्दी समोसे रख रहे हैं इधर असद भाई कैसा गुजरा रोजा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया ये चटाई है जी छत के ऊपर लेके जाएं असद भाई वहाँ पे इफ्तारी करते हैं मजा भी आएगा क्यों मैंने भी रोजा रखा हुआ है मुझे भी बहुत रोजा लगा हुआ है हाँ पक्का रोजा रखा हुआ है इधर अब्दुल्ला भाई ने जी काट दिया सब कुछ वाह क्या बात अब्दुल्ला भाई अब जैसा कोई भी नहीं है शेर हो जाए यार की याद करने पड़ता मैंने शेर करनी छोड़ दी है चलो फिर ध्यान दो पढ़ाई पे इधर हसनैन भाई लगे हुए हैं जी नींबू पानी बना रहे थे चले जी आ जाएं माशाल्लाह जी रमजान शुरू होने वाला है तकरीबन थोड़े दिन ही रह गए हैं तकरीबन 23 तारीख को रोजा जी और तकरीबन 15-16 दिन रह गए हैं इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है रमजान का महीना आने वाला है बरकतों वाला महीना आने वाला है इंशाल्लाह सब रोजे रखेंगे फिर आज मेरा रोजा नहीं लेकिन वो कहते हैं जी मैंने सुना है रोजेदार का रोजा खुलवाना बहुत बड़ा सवाब है जितना सवाब रोजा रखने वाले को होता है उतना ही जो अफतारी करवाता है उसको मिलता है जी तो आज की अफतारी मेरी तरफ से है जी बैठे सर वाह क्या बात अब्दुल्ला भाई क्या बात अब्दुल्ला भाई जिंदाबाद मुझसे और अब्दुल्ला भाई से एक मिस्टेक हुई है जी हम पकोड़े नहीं लेके आए वो जहन से ही निकल गया हुआ था अब्दुल्ला भाई आपने याद नहीं करवाया यार मैंने आपको कहा था यार पकौड़ों का कहा था नहीं खजूरों का कहा था खजूरों का सिर्फ कहा हुआ था अब्दुल्ला भाई क्योंकि खजूरें तो पड़ी हुई हैं घर और पकोड़े नहीं लेके आए अभी टाइम थोड़ा खैर है साथ वाले विलेज से मिलते हैं पकोड़े विलेज में हमारे में कोई नहीं बनाता तो अभी साथ वाले विलेज जाएंगे तो उतनी देर में रोजा खुल जाएगा तो अपनी दो छोटी सिस्टर हैं वो भी हमारे साथ ही बैठेंगी अफतारी करेंगी माशाल्लाह जी सब बैठ चुके हैं आके तो अभी आप सब में से नात कौन पड़ेगा जी अब्दुल्ला भाई टोपी दो अब्दुल्ला भाई को टोपी दो जी अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह जी माशाल्लाह अभी अब्दुल्ला भाई नात सुनाएंगे उनको नहीं आती ना आप सुना दे आती है रोजे चलो जी बिस्मिल्लाह करो जी बिस्मिल्लाह करो जी जल्दी जल्दी फिर रोजा खुल जाएगा हाँ जो भी आती है आपको शर्माना आ रहा मुझे शर्माना भूल जाओ क्या मेरी बात देखो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह सहारा या रसूल अल्लाह तड़पता है ये दिल मेरा तरसती है मेरी आँखें या रसूल अल्लाह तड़पता है ये दिल मेरा तरसती है मेरी आँखें बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह क्या बात है अब्दुल्ला भाई आगे भी आती थी आगे दो तरह शेर बस पढ़ने थे अच्छा चलो अभी टाइम थोड़ा किसी दिन सुनेंगे आपसे पूरी नात इंशाल्लाह चलो जी अभी सारे दुरूद शरीफ पढ़े और घर में जी नीचे दाल चावल बन रहे माशाल्लाह जी रोजा खुलने लगा है खुल गया रोजा चलो जी शुरू करो खोलो रोजा
रोजेदार रोजा खोलो जी दो जी खजूर बनोगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाओ ये क्या लेके आई हो इधर को आओ माशाल्लाह जी अरसला लेके आई है जी इफ्तारी का सामान और अभी इसको हम डाल के देंगे समोसा एक रख दे उन्हें ये समोसा जी नहीं ये समोसा आपके लिए सही है खा लो जाके सारा फ्रूट जी जवान खा गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मजा आया कि नहीं इफ्तारी भाई आप बस मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा अफतारी जी हो चुकी है बहुत रोज़ा लग गया था आज मुझे आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर के साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें शुक्रिया मिलते हैं कि नहीं और अच्छी वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।